Hello everyone, how are you all? Keep yourself safe and healthy. Today we are discussing another topic of this chapter 5th of political science. Children, hope you are enjoying these lectures and learning the facts of these topics at the same time and solving those questions also. So what is it? Today's topic is India-Pakistan conflict. Let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict in the international relation in this region. So we have discussed the domestic problems of Sri Lanka, Pakistan, Nepal and Bangladesh. So we have discussed the domestic problem of every country of this area. But now we will discuss some of the areas of conflict in the international relation in this region. क्या मतलब है कि अभी हम सबके डोमेस्टिक प्रॉब्लम देख चुके हैं लेकिन अब हम क्या करेंगे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में उसको देखेंगे द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हैज़ नॉट मेंट द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस इन दिस रीजन सो व्हाट वाज कोल्ड वॉर एरा आपको पता है कोल्ड वॉर के एरा में क्या था द होल वर्ल्ड वॉज अंडर द इट वॉज द एरा ऑफ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट सो कोल्ड वॉर एरा में पूरा वर्ल्ड जो था वो स्ट्रेस में था टेंशन में था बट पोस्ट कोल्ड वॉर एरा वॉज पीसफुल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट फॉर दिस रीजन इट वॉज नॉट पीसफुल इट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशंस वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेज बट देर आर ऑल्सो सम वेरी क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर हमने देख लिया है कि इंटरनल डेमोक्रेसी में किस तरह से बांग्लादेश के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लाने के लिए नेपाल के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम आई और एथनिक डिफरेंसेस जैसे श्रीलंका में हुए थे वो किस तरह से श्रीलंका में प्रॉब्लम्स आई लेकिन कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल नेचर के हैं दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं गिवन द पोजिशन ऑफ इंडिया इन दिस रीजन मोस्ट ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इंडिया तो इंडिया की एक पोजिशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन है इंडिया का एरिया ज़्यादा है तो इंडिया अधिकतर इन कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व ही रहता है द मोस्ट सेलियंट एंड ओवरवेलमिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑफ कोर्स द वन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो सबसे जो मेजर और मैसिव प्रॉब्लम चल रही है इस एरिया में वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं सून आफ्टर द पार्टीशन द टू कंट्री गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फेट ऑफ कश्मीर तो क्या हुआ आफ्टर द पार्टीशन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में तो उसी वक्त पार्टीशन हुआ था तो दोनों के दोनों कंट्रीज़ जो थी वो एम्ब्रॉयल्ड हो गई एम्ब्रॉयल्ड मीन्स इन्वॉल्व हो गई किस में इन्वॉल्व हो गई ओवर द फेट ऑफ कश्मीर कि कश्मीर का फेट क्या होगा विल इट बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और विल इट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया सो दैट वॉज दिस इज़ द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम दे कश्मीर बिलोंग टू इट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना था कि कश्मीर उनका हिस्सा है वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947 एंड 65 फेल टू सेटल द मैटर दो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो 47 और 48 में हुए और 65 में हुए वो इस मैटर को सॉल्व करने में फेल हो गए कि कश्मीर किसका हिस्सा है The 1947 and 48 war resulted in the division of province into Pakistan-occupied Kashmir and Indian province. तो जो 1947 का वॉर हुआ था 47 और 48 का जो वॉर हुआ था वो ये फैक्ट को पाकिस्तान ये नहीं कर पाया रिजल्ट नहीं वॉर इन द डिवीज़न ऑफ Division of the provinces into Pakistan-occupied Kashmir and Indian provinces of the Jammu and Kashmir divided by the line of control. 1947 और 48 के जो वॉर हुए थे उसमें कश्मीर के दो हिस्से हो गए एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आपने POK सुना होगा और दूसरा जो हिस्सा था वो इंडियन प्रोविंस का था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये लाइन ऑफ कंट्रोल से डिवाइड था कश्मीर के बारे में आपने पहले सुना है कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था So after the partition, the king of Kashmir has to decide whether it will be a part of Pakistan or it will remain a part of India. So the king said that we want to be independent country like India and Pakistan. So later on in 1947, Pakistan ne Kashmir pe attack kar diya. Iski wajah se Kashmir had a treaty with Indian government to save the sovereignty of Kashmir.
तो ये रीज़न रहा। और कुछ जो 30% पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है, उस एरिया में पाकिस्तान हैड 30% ऑफ कश्मीर पार्ट एंड दैट इज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान एंड गिरगिट बाल्टिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, दिस पार्ट इज़ विद कश्मीर विद पाकिस्तान एंड इंडिया के पास है 55% ऑफ लैंड जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें आता है जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर, एंड चाइना ऑल्सो हैज़ 15% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दैट इज़ अक्साई चिन रीजन। आपने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कंट्रोवर्सी का पार्ट था वो अक्साई चिन रीजन था एंड मोस्टली इन अनइनहैबिटेटेड काराकोरम ट्रैक, जो काराकोरम है ट्रैक, काराकोरम इज़ अ माउंटेन, और काराकोरम का जो ट्रैक है उस पर इंडिया और चाइना के बीच में वो वाला जो पोर्शन है वो चाइना के पास है 15%, 55% इंडिया के पास है और 30% पाकिस्तान के पास है। तो 1947 में वॉर जो हुआ था उसमें पाकिस्तान के पास जो कश्मीर के हिस्से हो गए, एक 30% पाकिस्तान के पास चला गया, 55% इंडियन प्रोविंस के पास रहा। इन 1971 इंडिया वन अ डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान बट द कश्मीर इशू रिमेन्ड अनसेटल्ड। ये आपको पता है 1947 में आपने बांग्लादेश के जो इंटरनल डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स था वो पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था वो बांग्लादेश बना था उसके बाद। तो जो 1971 का वॉर हुआ था उसमें कश्मीर के इशू का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, वो अनसेटल्ड रहा। इंडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ओवर स्ट्रेटजिक इशूज़ लाइक द कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म। तो इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक है। स्ट्रेटजिक क्या है कि स्ट्रेटजिक मीन्स कि यू आर थिंकिंग अबाउट रिलेटिंग टू अ गेनिंग ऑफ ओवरऑल और लॉन्ग टर्म मिलिट्री एडवांटेज, मीन्स आप लॉन्ग टर्म मिलिट्री एडवांटेज के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजिक। तो स्ट्रेटजिक इशूज़ हैं, और स्ट्रेटजिक इशूज़ जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पे किसका कंट्रोल रहेगा, तो सियाचिन ग्लेशियर भी एक कंट्रोवर्सीज़ का पार्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान में। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक्विजिशन ऑफ आर्म, कि आप किसके पास कौन कितना आर्म एक्वायर कर ले, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया एंड पाकिस्तान में। अब सियाचिन प्रॉब्लम क्या है, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट है, ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट है, सियाचिन एक ग्लेशियर है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों है, क्योंकि वो ये कश्मीर में रीज़न है, और ये सियाचिन जो है ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं नूबरा रिवर, वो इवेंचुअली जो है वो पंजाब में पाकिस्तान के किसी इंडस रिवर को वाटर देती है, जो नूबरा रिवर है, और इंडस जो है वो पंजाब के अंदर प्लेन्स में इरिगेशन में काम आता है इंडस रिवर के पानी का। तो अल्टीमेटली सियाचिन का से जो पानी निकल रहा है, जो फ्रेश वाटर निकल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी है, सियाचिन इशूज़ पर, और दूसरा क्या है, एक्विजिशन ऑफ आर्म, कितना एक्वायर कर लें आर्म, कितने आर्म्स हम ले लें अपने पास। द आर्म्स ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज अज्यूम्ड अ न्यू करैक्टर विद बोथ स्टेट एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल टू डिलीवर ईच सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इन द 1990s। अब 1990s में क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ में इतनी आर्म्स की रेसेस चलने लगी कि दे चेंज देयर करैक्टर, बोथ ऑफ द कंट्रीज चेंज देयर करैक्टर, दे बट एक्वायरिंग लॉट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स। उनका प्लानिंग क्या था कि वो ये मिसाइल्स और जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर रहे हैं वो उसको हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। 1990s में इस तरह के करेक्टर दोनों स्टेट के हो गए थे, चेंज हो गया करेक्टर, और दे वर ट्राइंग टू एक्वायर लॉट्स ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन एंड न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स। इन 1998 में इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण, पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड विद इन फ्यू डेज बाई कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन द चगाई हिल्स। तो देखिए 1998 में इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेस्ट किया पोखरण में राजस्थान में, और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया चगाई हिल्स में। ये जो टेस्ट करा उन्होंने, आपने देखा था कि चाइना ने इनकी हेल्प करी थी इसमें, तो चगाई हिल्स में इन्होंने टेस्ट कर दिया उसके रिस्पॉन्स में। सिंस देन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम्स टू बिल्ड अ मिलिट्री रिलेशनशिप इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर हैज़ डिक्लाइन। और उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने आपस में इस तरह के रिलेशन बना दिए हैं कि फुल स्केल वॉर होने की संभावना, डायरेक्ट और फुल स्केल वॉर होने की संभावना कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। अब दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे पर शक करती हैं, दोनों पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ लो की वॉयलेंस बाय हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट विद आर्म्स ट्रेनिंग इन मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। अब लो की वॉयलेंस क्या होता है? लो की होते हैं क्वाइट एंड डोंट टेल एनी वन, मीन्स दिस इज समथिंग दे डोंट वॉन्ट टू टेल एनी वन। हाइडिंग दे आर हेल्पिंग whom they are helping Kashmiri militant with arms training, they are giving them training, they are giving them money protection to carry out terrorist strikes against India. So this is a low key violence. वो चुपचाप उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी मदद कर रहे हैं? कश्मीरी आतंकवादियों की। उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं और टेररिस्ट स्ट्राइक करा रहे हैं इंडिया के अंदर। आपने देखा था कि बहुत से टेररिस्ट बालाकोट में अभी रिसेंटली एक साल डेढ़ साल पहले एक अटैक हुआ था, उसके पहले मुंबई रॉयड्स हुए, हर जगह पाकिस्तान का नाम आता है। आप देखते हैं कि हर बार कोई भी बात होती है तो पाकिस्तान को एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती ही हैं। द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव दैट पाकिस्तान हैज़ एडेड द प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट विद आर्म्स एंड एमिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड 1985 एंड 95। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट भी ये समझती है कि पाकिस्तान ने खालिस्तान में जो टेररिस्ट थे, खालिस्तान मीन्स देयर वाज अ प्लेस विद इन दिस पंजाब एरिया, तो वहाँ के रहने वाले लोग जो वो चाहते थे खालिस्तान चाहते थे, खालिस्तान मीन्स सेपरेट एरिया फॉर सिख पीपल। तो 1985 और 95 में ये इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जो खालिस्तान के मिलिटेंट्स थे उनको पाकिस्तान ने हेल्प करी है। इट्स स्पाई एजेंसीज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इज एलिग टू बी इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। अब देखिए आपने नाम सुना होगा ISI का। ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। किसकी एजेंसी है ये? पाकिस्तान की एजेंसी है। तो ISI पर एलिगेशन लगते हैं कि वो एंटी इंडिया कैंपेनिंग करता है, उसने नॉर्थ ईस्ट में जा कर के सीक्रेटली लो की वॉयलेंस को प्रोवोक किया, लो की वॉयलेंस किया और वहाँ पर जा कर के बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में भी जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए। सो आफ्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसी फॉर फॉमेंटिंग ट्रबल्स इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। अब आपने देखा कि जब ये पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा रही है तो पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि उनके वहाँ दो स्टेट हैं, सिंध और बलूचिस्तान। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो फोमेंटिंग ट्रबल को फोमेंट कर रही है। फोमेंटिंग मीन्स प्रोवोक कर रही है, दे आर प्रोवोकिंग ट्रबल्स। वो कहाँ कर रही हैं? सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस में कर रही हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सियाचिन ग्लेशियर और एक्विजिशन ऑफ आर्म्स ही नहीं हैं, वो हैं टेररिज्म को सपोर्ट करना, लो की वॉयलेंस करना, स्ट्रेटजी ऑफ लो की वॉयलेंस को यूज़ करना ही नहीं है, और क्या है, रिवर वाटर का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इस एरिया में रिवर्स बहती है उस पर किसका अधिकार रहेगा, किसके अंडर में आएगी, वाटर कौन यूज़ करेगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। टिल 1960 दे वर लॉक्ड इन अ फियर्स आर्ग्यूमेंट ओवर द यूज़ ऑफ रिवर्स ऑफ द इंडस बेसिन। अब देखिए इंडस बेसिन पे बहुत सी रिवर्स बहती थी, उनके ऊपर बहुत आर्ग्यूमेंट होता था कि
किस तरह से फियर्स का मीन्स है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग आर्ग्यूमेंट कि हमको पानी चाहिए, हमारा पानी हम लेंगे, पाकिस्तान भी कह रहा है, इंडिया भी कह रहा है, और फिर उस पर फियर्स आर्ग्यूमेंट हो जा रहा है, थ्रेटनिंग, एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं कि हम उस रिवर को यूज़ करेंगे और हम करेंगे। तो वहाँ पर सिक्स रिवर्स थी, उस सिक्स रिवर्स में थी ब्यास, रावी, सतलज, इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये रिवर्स सिक्स रिवर्स थी। तो 1996 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी विच हैज सर्वाइव टू दिस डे इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन विच द टू कंट्रीज हैव बीन इवॉल्व। अब देखिए 1996 में किसने हेल्प करी, वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी, इंडिया और पाकिस्तान के साथ ये जो ट्रीटी साइन हुआ ये कराची में ट्रीटी साइन हुआ था, जो कि था आपका ये 1996 में जो ट्रीटी साइन हुआ दैट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी 1996 में हुआ, और जवाहरलाल नेहरू उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान में अयूब खान थे, इन्होंने साइन करा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको साइन करा 1996 में। और ये जो ट्रीटी है अभी तक सर्वाइव कर रहा है, और चाहे इन स्पाइट ऑफ वेरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन विच द टू कंट्रीज़ हैव बीन इन्वॉल्व, और उसके बाद बहुत से 1996 के बाद वॉर हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 1965 में हुआ था, 71 में हुआ था, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी जो थी वो रही, अभी भी वो सर्वाइव कर रही है, मतलब दोनों देश जो हैं वो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो तीन नदियाँ थी उनके ऊपर कंट्रोल दे दिया गया इंडिया का, वो तीन नदियाँ थी ब्यास, रावी एंड सतलज, और तीन रिवर्स थी जो कि पाकिस्तान को दे दी गई, वो थी इंडस, चनाब एंड झेलम। तो इसकी इसका एक जो ट्रीटी साइन हुआ उसमें डिटेल लिखा गया है कि कितना वाटर किस तरह से यूज़ करना है। तो 1996 के इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये वाटर जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम वो साइन है तो वो साइन जो हुआ है, अकॉर्ड जो साइन हुआ है, वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ है वो सर्वाइव कर रहा है। देयर आर स्टिल सम माइनर डिफरेंसेस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडस वैली वाटर ट्रीटी एंड यूज़ ऑफ रिवर वाटर, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम्स इसमें है लेकिन अभी वो सर्वाइव कर रहा है, उसमें भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो थोड़ी सी बातें हैं, उसमें अभी कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा मोड़ा चलता रहता है, पर मेनली जो ट्रीटी हुई थी वो सर्वाइव कर रही है। द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डीमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। अब आपने सुना होगा रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है। तो रन ऑफ कच्छ एक प्लेस है, तो वहाँ पर बीच में से जो सर क्रीक इज़ अ वाटर डिस्प्यूट है, सर क्रीक इज़ अ वाटर डिस्प्यूट, एक तरह का वाटर बॉडी है जो कि रन ऑफ कच्छ में है, और वो गुजरात में और पाक के जो पाकिस्तान का जो एरिया है उसके बीच में से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से ये एरिया निकलता है, लगभग 60 miles लॉन्ग ये एरिया है, ये गुजरात और सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध है और इंडिया का जो गुजरात है उसके बीच में 60 miles का जो वाटर है उस पर एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, दैट इज़ सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ, ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है ये प्रॉब्लम है। द टू कंट्रीज एंड सन डिमार्केशन लाइन ऑफ द सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। द डिस्प्यूट सीम्स माइनर बट देयर इज़ एन अंडरलाइन वरी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ द सी रिसोर्स इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक। अब देखिए ये बहुत बहुत प्रॉब्लम नहीं है ऐसे देखेंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब सर क्रीक वाला जो वाटर जो सी में आता है वो कौन सा सी है, जो वहाँ से सी में किसका कंट्रोल रहेगा, जब वो पानी सी में आएगा तो उसके बाद वो सी रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल रहेगा, ये मेन प्रॉब्लम है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशंस ऑन दीज इश्यूज़। अब इंडिया और पाकिस्तान के बाद के बीच में इन बार इन टॉपिक्स में नेगोशिएशन चल रहे हैं, बार बार बातचीतें हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।